जय श्री राधे मित्रों, जय माता दी मित्रों। चंद्रबन्नी भक्तराज चैनल के माध्यम से मैं पंडित दीपक उपाध्याय देवभूमि उत्तराखंड से आपके अपने चैनल चंद्रबन्नी भक्तराज चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आद्य शक्ति माँ भगवती से करवद प्रार्थना करता हूं कि माँ भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके जीवन के समस्त विघ्न बाधाओं का माता रानी हरण करें और आपका जीवन आनंदमय हो। तो चंद्रबन्नी भक्तराज चैनल के माध्यम से आज का जो हमारा कार्यक्रम होगा, आज का जो वीडियो होगा, वह होगा कर्क राशि के जातकों के लिए। तो कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज का कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ रत्न कौन सा है, कौन सा ऐसा रत्न आप धारण करें जिसे धारण करने से आपके जीवन की समस्त विघ्न बाधाएं दूर हो, समस्त समस्याओं का निवारण हो। तो आज का जो कार्यक्रम होगा वह रत्न से आधारित होगा। तो कर्क राशि के जितने भी जातक हैं, आप जो है वीडियो में अंतिम तक अवश्य बने रहें, वीडियो को इष्ट मित्रों तक शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाले जो वीडियो है समय समय अनुसार आप तक पहुंच सकें और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सकें। तो अब ज्यादा देर न करते हुए बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए कौन सा होगा वह सुरत्न जिसे धारण करने से मानसिक परेशानियां होंगी आपकी दूर और जिसे धारण करने से बढ़ता है नेतृत्व का गुण। तो आप सभी लोग वीडियो में बने रहे। तो राशि के आधार पर जो है रत्न धारण करने से जो है जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, समस्त समस्याओं का काफी हद तक जो है निवारण किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए कौन सा रत्न धारण करना चाहिए जिससे आपकी सभी जो समस्याएं हैं वह दूर हो सकें। तो कुंडली में जो है ग्रहों की स्थिति जो है बनती है और बिगड़ती है। तो राशि के आधार पर जो है रत्न धारण करने से जीवन की समस्याओं को बहुत हद तक जो है कम किया जा सकता है। तो रत्न धारण करने के लिए जो है रत्न धारण करने से राशि और ग्रहों की स्थिति का जो है विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है जब हम रत्न धारण करते हैं, वरना जो है इसके अशुभ परिणाम भी मिल सकते हैं अगर हमने कोई गलत रत्न धारण कर लिया। तो ज्योतिष शास्त्र में जो है सभी ग्रहों से संबंधित अलग अलग रत्न बताए गए हैं। जितने भी ग्रह हैं तो सभी ग्रहों के जो है ज्योतिष शास्त्र ने अलग अलग रत्न बताए हैं। तो आज हम जानेंगे कि कर्क राशि वालों के लिए कौन सा रत्न होगा। तो ज्योतिष शास्त्र में जो है चंद्रमा को कर्क राशि का स्वामी बताया गया है। जो चंद्रमा है वे जो है कर्क राशि के स्वामी हैं। और चंद्रमा कमजोर होने पर जो है व्यक्ति का मन एक जगह पर नहीं टिकता है। जब कोई किसी का चंद्रमा खराब हो तो व्यक्ति का जो मन है वह एक जगह पे नहीं टिकता है। चंद्रमा किसी का कमजोर है तो उसका मन एक जगह पे नहीं टिकता है और उसका मन जो है हमेशा विचलित रहता है। वह उसका जो मन है हमेशा भटकता रहता है, विचलित रहता है, उसके मन में कुछ ना कुछ उथल पुथल चलती रहती है। तो चंद्रमा कमजोर होने पर व्यक्ति को कई तरह की मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है अगर किसी का चंद्रमा जो है खराब है। चंद्रमा किसी का कमजोर है तो बहुत सारी मानसिक परेशानियां उस व्यक्ति को झेलनी पड़ती हैं। तो चंद्रमा की मजबूती के लिए जो है कर्क राशि वाले जातकों को मोती पहनने की सलाह दी जाती है। तो जो चंद्रमा जिनका कमजोर है या चंद्रमा की मजबूती के लिए जो कर्क राशि के जातक हैं उनको मोती धारण करने की सलाह दी जाती है। ऐसे व्यक्तियों को जो है मोती रत्न धारण करना चाहिए। तो कर्क राशि के जो जातक हैं उनका स्वामी राशि स्वामी है चंद्रमा और चंद्रमा का जो रत्न है वह है मोती। तो कर्क राशि के जातकों को जो है मोती रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। अन्य भी कुछ रत्न हैं जो कर्क राशि के जातक धारण कर सकते हैं। तो अन्य जो रत्न हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो कर्क राशि के जो जातक हैं, कर्क राशि के लोगों को जो है माणिक्य रत्न यानी कि रूबी स्टोन भी उनके लिए जो है कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ माना जाता है। इसे जो है कर्क राशि वालों का बर्थ स्टोन भी कहा जाता है। इसमें जो इसे जो है कर्क राशि वालों का जो है बर्थ स्टोन जो है इस माणिक्य रत्न को कहा जाता है। वहीं माणिक्य रत्न पहनने से जो है कर्क राशि वालों की जो बौद्धिक क्षमता है वह बौद्धिक क्षमता जो है कर्क राशि के जातकों की बढ़ती है और इस रत्न के प्रभाव से जो है कर्क राशि के जातकों को के जीवन में जो है जीवन में अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है कर्क राशि के जातकों को माणिक्य रत्न धारण करने से। इसके अलावा जो है इस राशि के कर्क राशि के जो जातक हैं वे लहसुनिया भी धारण कर सकते हैं। लहसुनिया जो रत्न है उसे भी आप धारण कर सकते हैं। पन्ना जो रत्न है उसे भी जो है कर्क राशि के जातक धारण कर सकते हैं। और
हेलियोट्रोप जो है स्टोन जो है उसे भी आप धारण कर सकते हैं, उसे भी आप पहन सकते हैं। तो हेलियोट्रोप स्टोन का भी जो है कर्क राशि के जातक जो है धारण कर सकते हैं। तो यह जो रत्न है कर्क राशि के जातक धारण करते हैं कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम जो है राशि स्वामी का जो रत्न है यानी कि जो है आपको मोती धारण करने की सर्वप्रथम सलाह दी जाती है, और अन्य रत्नों की भी आपको हमने जानकारी दे दी, तो यह रत्न भी आप धारण कर सकते हैं। तो आज का जो यह वीडियो है हमारा, वह आपको कैसा लगा जरूर कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएं। वीडियो अच्छा लगा तो इष्ट मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, और यदि अगर आपको जो है बिल्कुल शुद्ध रत्न चाहिए तो आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है नीचे चल रहा है, तो आप जो है शुद्ध रत्न के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, तो हम आपके लिए शुद्ध रत्न उपलब्ध कराएंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे करेंगे समाप्त, पुनः अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक माँ भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय माता।